नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 1 मार्च 2020 है। 1 मार्च 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर हैं। इनको लेकर तेजस्वी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से कहा कि भगवान राम बन सबरी का खाना होगा बेर, श्री कृष्ण बन गरीब सुदामा का धोना होगा पैर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का यह ट्वीट कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ी नसीहत है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दिल्ली सरकार ने दे दी है। इस क्रम को देखते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैं कन्हैया जैसे लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आखिर बिहारी ही दूसरे राज्यों में सबसे अधिक क्यों पलायन करते हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान लखीसराय एवं शेखपुरा में उक्त बातें कही। चारा घोटाला में झारखंड के रिम्स में सजायाफ्ता लालू प्रसाद से मिलने पूर्व शिक्षा मंत्री उर्सिंह पटेल पहुंचे। उनके साथ रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव और बिहार विधानसभा के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज भी थे। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए उर्सिंह पटेल ने कहा कि बीमार रहते हुए भी लालू प्रसाद को देश और समाज की चिंता है। NRC और NPR से उनका मन व्यथित है। बिहार के पूर्णिया प्रमंडल में इस साल किसी भी निजी विद्यालय संचालकों की फीस बढ़ाने के मामले में मनमानी नहीं चलेगी। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने निजी विद्यालयों की फीस बढ़ाने की सीमा तय कर दी है। प्रमंडलीय आयुक्त सफीना AN ने कहा है कि अब 7% से अधिक कोई भी निजी स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने शिक्षा विभाग की बैठक में उच्च अधिकारियों से यह बात कही। इस आदेश के बाद निजी स्कूल संचालक गंभीर हो गए हैं। गोपालगंज के मेहदिया गांव के समीप शनिवार की सुबह 10 बजे के करीब एक नाव गंडक नदी में पलट गई। एक महिला की इस घटना में मौत हो गई। कई लोग लापता बताए गए, जबकि 5 लोगों को बचा लिया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। शराब से लदी एक ट्रक जमुई जिले के खजुरा बाजार के पास पकड़ी गई है। ट्रक से 6200 लीटर शराब जब्त की गई है। जब्त शराब नीचे थी और ऊपर कुरकुरे रखा हुआ था, लेकिन पुलिस को शराब लाने की गुप्त सूचना मिल गई थी। शराब हरियाणा से पटना लाई जा रही थी। शराब की इतनी बड़ी खेप देखकर पुलिस भी सकते में आ गई है। शराब को हरियाणा से लाने वाले खलासी और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों हरियाणा के कैथल जिले के बताए जाते हैं। इंटर की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य बाधित करने को लेकर गोपालगंज में 118 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बेगूसराय जिले के 178 नियोजित शिक्षकों को भी निलंबित किया गया है। अब तक 314 पर FIR के भी आदेश दे दिए गए हैं। इधर सहरसा में इंटर की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं करने वाले 26 शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 40 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कटिहार जिले के सदर प्रखंड के CO जय राम की मुश्किलें बढ़ गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने म्यूटेशन से संबंधित एक परिवार पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने CO सहित 4 लोगों पर संज्ञान लिया है। परिवारकर्ता ताजगंज फंसिया के हैं। कटिहार जिले के कदवा थाना अंतर्गत परवेली गांव में एक तालाब के अवैध रूप से उत्खनन को लेकर वहां के एक JCB जब्त कर लिया गया है। जब्ती की कार्रवाई खनन पदाधिकारी ने किया है। तालाब के उत्खनन को भी रोक दिया गया है। नकली नोटों की छपाई कर उसे मार्केट में खपाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पूर्णिया में गिरफ्तार कर लिया गया। वह बनमनखी के पिपरा के वार्ड 6 का बताया गया। उसे सुपौल जिले के वीरपुर पुलिस लेकर चली गई। उसका नाम छोटू कुमार बताया गया। इससे पूर्व 14 फरवरी को सुपौल जिले के एक सदस्य को नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर ही पूर्णिया से छोटू को गिरफ्तार किया गया है। सुपौल जिले के लौकाहा बाजार में सास बहू का सम्मेलन किया गया। इस कार्यक्रम में 20 सास को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुन्ना चमन ने की। मौके पर मुखिया रामचंद्र कामत, सरपंच मनोहर शाह सहित ANM एवं आशा कार्यकर्ता मौजूद थे। बदमाशों की आशंका में मधेपुरा जिले के हरिपुर कला गांव के पास स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन से अधिक बारातियों को ग्रामीणों ने दबोचकर पिटाई कर दी। सभी बाराती पूर्णिया जिले के B कोठी प्रखंड के थे। बताया गया कि इस घटना के पूर्व ही बदमाशों ने एक चौकीदार को गोली मारी थी। उसी की आशंका में ग्रामीण तमतमाए हुए थे। धोखे में बारातियों की ही पिटाई कर दी गई।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन की हुई बैठक में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। सनद रहे कि मार्च में 11 से 13 मार्च तक पूरे देश के बैंकों ने हड़ताल की घोषणा की थी। हड़ताल टलने से आम लोगों ने राहत महसूस किया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम बदलने के बाद अब लर्निंग का प्रावधान भी पहले से बदल गया है। अब ऑनलाइन आवेदन के बाद परीक्षा देनी होती है, इसमें पास होना जरूरी होता है। इसी क्रम में पटना में 32 आवेदनकर्ता में मात्र 10 ही पास हुए। पटना के फुलवारी शरीफ क्षेत्र में धरना पर बैठे विवाहिता को पुलिस ने ससुराल पहुंचा दिया। वह ससुराल से निकाल दी गई थी। इसके बाद वह ससुराल के आगे ही पिछले 3-4 दिनों से धरना पर बैठ गई थी। विवाहिता अपने माँ के वालों के साथ ससुराल गई, हालांकि ससुराल वाले फरार हो गए थे। मुंगेर के झौवा बहियार साहिब दियारा में पुलिस ने अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान मृत्युंजय यादव उर्फ करका को दबोच लिया। वह 50,000 का इनामी अपराधी बताया गया। उसके साथ उसके सहयोगी श्याम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी लिपि सिंह ने इसकी पुष्टि की है। पौराणिक अवशेषों के लिए देश दुनिया में चर्चित नालंदा की धरती के अंदर सैकड़ों साल पुराने शहर का अवशेष एक तालाब की खुदाई के दौरान मिली है। अवशेष काला पत्थर की प्राचीन खंडित मूर्तियां, दीवार आदि के रूप में मिली है। इससे लोगों का कौतूहल बढ़ गया है। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि यह करीब 3200 साल पुराना खंडहर होगा। जो मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली है वह महात्मा बुद्ध की प्रतीत होती है। पटना के बोरिंग कैनाल रोड स्थित प्रांजल अपार्टमेंट से शराब की पार्टी करते रोहतास जिले के विक्रमगंज पंचायत के पैक्स अध्यक्ष बलवंत कुमार सिंह को उनके 3 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बलवंत अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बेटे और पत्नी के साथ वहां रहता था। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों की तरह 7वें वेतनमान के मूल क्रम में शामिल करना चाह रही है। विधान परिषद में मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने भी ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है सूबे के 3.5 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। भोजपुर में सरना पंचायत के मुखिया संजय कुमार सिंह को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वे पंचायत की एक महिला वार्ड सदस्य से 63,000 घूस ले रहे थे। निगरानी की टीम उन्हें लेकर पटना चली गई। गिरफ्तार मुखिया 7 निश्चय योजना में अपना कमीशन ले रहे थे। कैमूर पुलिस ने एक सरकारी कर्मी को घूस के 50,000 के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर्मी PHED डिपार्टमेंट का है। उसने अपने एक मृतक कर्मी की पत्नी से नौकरी व पेंशन के नाम पर रुपये लिए थे। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द News9X सब्सक्राइब करें। We'll be right back.